खुशामदीद, आपका स्वागत है नए दिन नए रेसिपी के साथ। आज मैं आपको चिली फिश बनाने की रेसिपी बताऊंगी। इससे पहले ही मैंने चिली फिश बनाने की रेसिपी डाली है, लेकिन मैं कुछ ये अलग तरीका का बनाऊंगी जो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत हटके रहेगा, एकदम होटल स्टाइल में रहेगा। जैसे हम होटल में खाते हैं ना, वही स्टाइल में रहेगा। उसके लिए मैंने फ़िश लई है, फ़िश को मैंने अच्छे से साफ़ करके रख दी है, मैंने विनीगर डाल के इसे साफ़ करी है। अब इसमें मैं एक चम्मच भर के नींबू का रस ऐड करूँगी। उसके बाद मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची ली है और एक कसूरी मेथी है, नमक है, गरम मसाला, इसे मैं ऐड कर दूँगी। अब मैं इसे 10 मिनट ऐसे रख के फिर मैं इसे फ्राई करूँगी। पीसने के लिए मैंने मसाला, एक गोटा प्याज ली है, एक टमाटर ली है, एक चम्मच भर के जीरा ऐड कर देंगे, उसी में सौंफ भी ऐड कर देंगे। अब मैं इसका एक पेस्ट बना दूंगी अभी। अब पैन हमारा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें थोड़ा मस्टर्ड ऑयल डालूंगी, थोड़ा सा ऐड करूंगी। चिकन फिश सब हम मस्टर्ड ऑयल से बनाने से अच्छा लगता, इसका टेस्ट अलग ही रहता है। इसमें मैं इसमें एक शिमला मिर्ची है, हाफ छोटा वाला जो शिमला मिर्ची मैंने उसमें स्क्वायर टाइप में से कट करके रखी, इसका बीज को मैंने निकाल दी है। और एक प्याज है, इसे ही मैंने स्क्वायर में कट करके रखी है। और एक टमाटर है छोटा वाला, इसे ही मैंने कट करके रखी, इसका बीज को मैंने निकाल दी है। पहले प्याज ऐड कर लूँगी इसी में शिमला मिर्ची में। गैस को मीडियम रखते हैं, हल्का फ्राई करेंगे इसे। एक पिंच थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। अब इसी में टमाटर जो मैंने रखी थी वो भी कट करके डाल देंगे इसे। ज़्यादा फ्राई करने से है क्या, इसका कलर हमें कलर इसका काला हो जाएगा, हल्का फ्राई करने से ग्रीन में रहेगा और थोड़ा क्रंची टाइप में रहेगा। 2 मिनट तक हो गया है, अब इसे मैं निकाल दूँगी। इसी में यही कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और हम ऐड करेंगे। अब जो फिश में मसाला मिला के रखी थी वो 10 मिनट तक हो गया है, अब मैं इसे फ्राई कर दूँगी। इसे हम दोनों साइड से लाल होने तक फ्राई करेंगे इसे। तो गैस को हम जोर रख के फ्राई करेंगे, जल्दी जल्दी फ्राई, एकदम स्लो नहीं करेंगे, बाद में इसे हम और पकाएंगे मसाला में। दोनों साइड से अच्छे से लाल करके फ्राई करेंगे। अब फिश हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है दोनों साइड से। अब मैंने वही कढ़ाई में मैंने जो पेस्ट बनाई थी वो पेस्ट भी मैंने कर दी है, जो मैंने टमाटर प्याज जीरा और सौंफ का पेस्ट बनाई थी। इसमें आप गोल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा इकट्ठा को पानी में डाल के रखी हूँ। इसके लिए मसाला हमें चाहिए, हाफ़ चम्मच कश्मीरी, हाफ चम्मच हल्दी, हाफ चम्मच मिर्ची, झाल अपने हिसाब से डालेंगे और चिल्ली फिश में मिर्ची ज़रूर रहेगी। इसमें मैंने 3 टुक मिर्ची ली है, ये मिर्ची बहुत झाल है, आप अपने हिसाब से डालें। और धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के। अब पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं इसमें तेल ऐड करूँगी। तेल हम कम यूज़ करेंगे क्योंकि हम फ्राई में भी तेल डाले थे। उसमें मैं 5 फोरन डालूँगी, अब वो चटकने लग जाएगा। उसका बाद मैंने जो मसाला पीसी थी वो ऐड कर दूँगी। अब मैं इसे अच्छे से फ्राई करूँगी, गैस को मीडियम कर दूँगी, 5 से 7 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे हम इसका स्मेल जाने तक। अब इसी में जो मसाला मैंने रखी थी उसे हमें फ्राई करना है, तो इसी में डाल के कम से कम 2 मिनट बाद इसको भी इसमें डाल के हम इसे और 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब इसे हम ढक के फ्राई होने देंगे, इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई होने के बाद फिर मैं दिखाऊंगी। मसाला हमारा अच्छा, बहुत खुशबू आता है। अब इसी में थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे, नमक मच्छी में फिश में भी डाले थे हम। अब इसमें जितना आपको ग्रेवी चाहिए, मसाला हमारा अच्छा से फ्राई हो गया है, जितना आपको ग्रेवी चाहिए हम वो ऐड कर देंगे। अब ग्रेवी हमारा अच्छा से बनने लग जाएगा, फिर इसमें मच्छी ऐड कर देंगे, हमें इतना ग्रेवी बस है। मैंने जो इमली भिगाई थी अब मैं उसका पल्प को उसमें ऐड कर दूंगी। अब इसे अच्छा से उबलने देंगे। ये जो करी है ना, प्लेन राइस का साथ, रोटी के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा।
इस तरह बना के एक बार ज़रूर देखिए। अब ग्रेवी हमारा उबलने लग गया है, अब हम इसमें मच्छी ऐड कर देंगे। अब गैस को मीडियम कर देंगे क्योंकि फिश हमारा अच्छे से फ्राई है। इसी में जो शिमला मिर्ची टमाटर सब फ्राई किया, हल्का फ्राई करके रखी थी उसे भी ऐड कर दूंगी, उसे भी एक से दो मिनट से पकने दूंगी। अब मैं इसमें तो धनिया पत्ती भी ऐड कर दूंगी, खूब सारा धनिया पत्ती ऐड करेंगे हम। अब मैं इसे 5 मिनट ऐसी रखूंगी। 5 मिनट ऐसी रखने से ये होता है कि सारा मच्छी में हमारा मसाला अच्छे से पकड़ लेता है। उसका बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब हमारा टेस्टी सा यम्मी सा चिल्ली फिश बन के तैयार है, जो बहुत ही अलग तरीके से बनाई है मैंने। इस तरह एक बार ज़रूर बना के देखिए। आप खुद बनाएंगे, खुद इसको टेस्ट करेंगे, तभी आपको इसका टेस्ट पता चलेगा। अगर मेरे फिश चिल्ली फिश का रेसिपी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, अपने फ्रेंड को शेयर भी करें। थैंक यू।